Assalamu alaikum viewers, welcome to Shabana's kitchen in USA. आज हम बनाने जा रहे हैं onion pakode. Onion pakode तो सभी जानते हैं. ये थोड़ी simple और easy recipe है. Onion pakode खाने में तो सभी को मजेदार लगते हैं चाय के साथ. चलिए मैं दिखाती हूँ आपको. मैंने यहाँ पे क्या-क्या लिया है onion pakode बनाने के लिए. मैंने यहाँ पे लिए हैं एक बड़ी प्याज, उसको मैंने लंबे लंबे पीसेस में काट लें बहुत ही बारीक. यहाँ पे थोड़ी सी धनिया, दो से तीन हरी मिर्च मैंने बारीक पीसेस में कट कर लिए हैं. यहाँ पे है बेसन, ये मैंने काले चने का बेसन लिया है, आप वाइट चने का बेसन भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने लिया है आधा चम्मच जीरा पाउडर, जीरा. यहाँ पे आधा चम्मच है नमक, आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी बेकिंग सोडा. इससे क्या होता है कि आपके जो पकौड़े हैं वो अच्छे फूल कर आ जाते हैं और दिखने में भी अच्छे लगते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ये देखिए, इसमें मैं सारे चीजें डालूंगी. अभी ये हो गई प्याज, मैंने इसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया डाल दिए. अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये चीज़ें, जीरा, नमक, हल्दी और बेकिंग सोडा. अब मैं डालूँगी इसमें बेसन जो हमने ले लिया था. मैंने यहाँ पे एक कप बेसन लिया है, आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और आप जितना बनाना चाहते हैं उतना ले सकते हैं. अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ. पहले मैं ये सारी चीज़ें मिक्स कर ले रही हूँ इस तरीके से. ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली है. अब मैं इसमें डालूंगी पानी थोड़ा थोड़ा करके, उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी. ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है. मिक्स करते वक्त हमें देखना है कि ये ज़्यादा पतला ना हो और ज़्यादा घट भी ना रहे, मीडियम इस तरीके से. तो आप भी ज़रूर ट्राई करें ये ओनियन पकौड़ा, बच्चों को, बड़ों को, सभी को अच्छे लगते हैं चाय के साथ स्नैक्स के टाइम पे. तो चलिए शुरू करते हैं. प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ऑनियन पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी. अब हम पकौड़े को फ्राई करेंगे. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तेल रख दिया था कढ़ाई में, गर्म हो चुका है तेल अभी. चलिए शुरू करते हैं. तरीके से हमें एक एक करके डालना है. देखिए, हमारे पकौड़े अभी फ्राई हो रहे हैं इस तरीके. हम फ्लेम धीमी करेंगे जब हम हमारे पकौड़े फ्राई होंगे, तो धीमी आग पे अच्छे से हो जाते हैं क्रिस्पी, अंदर से भी अच्छे से पकते हैं. एक मिनट बाद मैं इसको पलट रही हूँ इस तरीके से दोनों तरफ, ताकि अच्छे से पक जाए अंदर भी. देखिए, दो से तीन मिनट तक पक चुके हैं ये. अब इसको अच्छे से कलर आ चुका है गोल्डन ब्राउन, अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुके हैं हमारे पकौड़े. अब मैं इसको निकाल रही हूँ. देखिए, मैं इस छन्नी में निकाल रही हूँ इसमें, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए. ये देखिए व्यूअर्स, हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं, अच्छे ब्राउन और क्रिस्पी बन चुके हैं. इसको मैंने खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर लिया है. आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं. यहाँ पे मैंने खट्टी मीठी चटनी लिया है. अगर आपको खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग शबानास किचन.
फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।